लॉकडाउन के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें रजनी विरमानी, जी हाँ रजनी विरमानी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे पहुंची हैं। महमूदपुर रोड पे वैरायटी जोन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 10 साल पूरे होने पर उन्होंने यह आयोजन पूरा किया है, तस्वीरें सामने देख सकते हैं, तो महमूदपुर रोड पे लगाया है। रजनी विरमानी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे पहुंची है, तस्वीरें सामने लाइव देख सकते हैं आप, इसमें तस्वीरें देख सकते हैं रजनी विरमानी मुख्य, देख सकते हैं 10 साल पूरे होने पर रजनी विरमानी मुख्य अतिथि के तौर पर वैरायटी जोन पर पहुंची है। 10 साल पूरे होने पर इन्होंने रक्तदान शिविर भी लगाया है। जी हाँ, रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि के तौर पर रजनी विरमानी जी पहुंची है चेयरपर्सन गोहाना की, तस्वीरें सामने देख सकते हैं आप। मोमेंटो देकर, चीफ गेस्ट का मोमेंटो देकर मान सम्मान किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हैं सामने। ये वैरायटी जोन में भी अंदर एंट्री हो चुकी है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं वैरायटी जोन पे। अभी बात करने की भी कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या बोलते हैं। नमस्कार, अब वैरायटी जोन पे पहुंचे हैं, रक्तदान शिविर भी लगाया है इन्होंने, 10 साल इनके पूरे हो चुके हैं, तो क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं अपने भाई, मेरा बेटा भी अजय कुमार, इनकी वैरायटी जोन का जो शोरूम है, इसकी 10th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छी सोच कि आज इस एनिवर्सरी की खुशी पर इन्होंने ब्लड कैंप लगाया, और ब्लड कैंप लगाने के साथ साथ मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमारे गोहाना शहर में युवा पीढ़ी में इतनी जागृति आ रही है, युवा पीढ़ी ब्लड डोनेट कर भी रही है और जगह जगह कैंप लगाकर इस जागरूकता को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। रक्तदान सबसे बड़ा महादान है, तो मैं ये कहूँगी युवा पीढ़ी को रक्तदान करना चाहिए। अगर हमारे खून की कुछ दो बूंदों से किसी की जान बच सकती है, तो इससे पुण्य का और कोई काम नहीं हो सकता। तो सुरेंद्र विश्वास जी को भी बहुत बधाई देती हूँ, जो इतनी बार डोनेट कर चुके हैं और इस सेवा का बार बार हिस्सा बन रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी ला रहे हैं। ये जागरूकता युवा पीढ़ी को एक संदेश दे रही है कि हमें रक्तदान करना चाहिए, कि इससे अच्छा और कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। युवा को क्या संदेश देना? युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहती हूँ कि कुछ युवा पीढ़ी के अंदर इस बात की ये भावना बनी हुई है कि ब्लड डोनेट करने से एक वीकनेस आती है, हमारे शरीर पर किसी तरह का इफेक्ट पड़ता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड डोनेट करते ही साथ ही साथ चीज़ की रिकवरी हो जाती है, बल्कि मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि डोनेट का हिस्सा बने, डोनेट करें भी और जागरूकता को बढ़ाएं भी। एक मोमेंट तो दे देता हूँ, फिर उधर ही आ रहे। एक तो भाई है जो दर्शन करना चाह रहे, भाई निकट दर्शन, अरे अरे आ जाओ यार, कोई नहीं, फोटो लिया था, सबसे पहले तो मैं जितने भी रक्तदाता आए हैं रक्तदान करने, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा सर। सेकंड में मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। थर्ड आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा सर, आप आए अपना कीमती टाइम निकाल के मेरे लिए। और सर भविष्य में भी आगे ऐसे रक्तदान शिविर और प्लान डोनेशन कैंप लगते रहेंगे सर, वैरायटी जोन की तरफ। तो और युवाओं को क्या आप संदेश देंगे? सर युवाओं को यही संदेश देंगे सर कि जितने भी हो सके सर हर किसी को ब्लड कैंप लगवाने चाहिए सर, जितने भी अच्छे काम हो सके हर किसी को करने चाहिए सर। अमित जी, आज रक्तदान शिविर जहाँ लगाया गया है, क्या कहना चाहोगे?
भाई ये अच्छी बात है, ये लोगों को जागरूक होके ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और भाई आज ये अच्छा कार्य कर रहा है, आज भी जो दोस्तों ने दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ये प्रक्रिया चाहिए चाहिए, आज भाई हमारे लायक जो भी जमा लगाएंगे वो पूरा करेंगे। ठीक है जी।